हेलो गाइस, स्पाइडर नीति जी मंडी न्यूज़। तो गाइस आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में कि उन्होंने इंडिया में कितना कमाया, देन उसी के साथ बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अपडेट काफी ज्यादा कमाल के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के साथ। तो सबसे पहले डे वन में स्पाइडरमैन मूवी ने कमाए 10 करोड़ 5 लाख, डे टू में कमाया 8 करोड़ 69 लाख, डे थ्री में कमाया 12 करोड़ 41 लाख, डे फोर में कमाया 15 करोड़ 41 लाख। टोटल ओवरऑल स्पाइडरमैन ने अपने अर्न करे 46 करोड़ 66 लाख, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। देन उसी के साथ सोनी फ्रेंचाइज और स्पाइडर फ्रेंचाइज के साथ साथ इस मूवी ने सबसे टॉप पर अपना खिताब हासिल करा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। देन उसी के साथ हॉलीवुड की बात करी जाए तो स्पाइडरमैन सेकंड नंबर पे आती है सबसे ज्यादा कमाई करने वाली वीकेंड में। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में। तो सेक्रेट गेम का ऑफिशियली पोस्टर लॉन्च कर दिया गया है, ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप इस सीरीज के फैंस हो तो आप ट्रेलर जाके देख सकते हो, काफी ज्यादा कमाल का है। और इसकी ऑफिशियल रिलीजिंग डेट है नेटफ्लिक्स पे 15 अगस्त की। देन उसी के साथ एम्पायर मैगजीन ने जोकर के ऑफिशियली फर्स्ट लुक लॉन्च कर दिए, जो कि लोगों ने काफी ज्यादा पसंद करे। और देन सीरियसली लग रहा है कि हाँ, जोकर की ये ओरिजिन स्टोरी थोड़ी दुखी टाइप की होगी, क्योंकि इनके ओरिजिन पर है ये मूवी। कोई ऑफिशियली मतलब आप कह सकते हो कि बड़ी लेवल की लड़ाई वड़ाई नहीं है इसमें। तो देखते हैं कि फ्यूचर में ये मूवी कैसी होगी। देन जस्टिस लीग का साइबॉर्ग का ऑफिशियली सैंडर कट का एक बियॉन्ड द सीन देखने को मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से अगर जस्टिस लीग सैंडर बनाते तो ज़्यादा बेटर हिट जाती। देन उसके साथ पंकज त्रिपाठी फाइनली काम कर रहे हैं धागा मूवी में क्रिस हेम्सवर्थ के साथ। अब ये मूवी रैप हो चुकी है और ऑफिशियल ट्रेलर का इंतजार है इन फ्यूचर। देन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम को सिनेमा स्कोर ए मिल चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर मेरे हिसाब से ए प्लस मिलना चाहिए था, क्योंकि स्पाइडरमैन वास्तव में बहुत बड़ी मूवी थी। देन उसी के साथ अगला अपडेट है काफी कमाल का स्पाइडरमैन से ही रिलेटिव। स्पाइडरमैन के डायरेक्टर जॉन ने अभी हाल ही में अपने विचार व्यक्त करे हैं। उन्होंने बताया है कि मैं फ्यूचर स्पाइडरमैन 3 में केविन द हंटर को विलेन के ऐसे तौर पे लेना चाहता हूँ, पर इसके राइट्स तो सोनी के पास है। तो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या परिणाम आते हैं, क्या रिजल्ट आते हैं और आगे क्या होता है। तो गाइस कैसा लगा अपडेट, तो गाइस कैसा लगा वीडियो। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देखो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देखो पेज को लाइक करें। रियली में आपको जो वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक में शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।